दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह पता लगा सकते हैं कि हमारे जो YouTube वीडियोस हैं वो लोगों के सामने शो हो रही हैं और कितने लोगों के सामने शो हो चुकी हैं। तो चलो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जाना है गूगल क्रोम में और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद हमें जो है यहाँ पर YouTube ओपन करना है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो YouTube है वो ओपन हो चुका है और YouTube ओपन होने के बाद हमें यहाँ पर जो हमारे चैनल का लोगो है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर YT स्टूडियो यानी कि YouTube स्टूडियो पर क्लिक करना है। और हमारे चैनल के जो पूरी डिटेल हैं यहाँ पर शो हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें वीडियोस पर क्लिक करना है। इसको बड़ा कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी चैनल वीडियोस हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं और हमें इसकी जो इम्प्रेशन है यानी कि हमारी जो वीडियोस हैं वो कितने लोगों के सामने जो शो हो चुकी हैं ये जानने के लिए हमें जो है यहाँ एनालिटिक्स पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो पर क्लिक करूँगा तो मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करने के बाद हमारा जो वीडियो एनालिटिक्स है वो ओपन हो जाएगा और हमें यहाँ पर रीच पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, रीच पर क्लिक करने के बाद ये जो हमारा इम्प्रेशन है 4 शो हो रहा है, मतलब कि हमारे जो वीडियो है वो 4 लोगों के सामने शो हुई है, उनमें से एक बंदे ने इस पर क्लिक किया है और उसने ये वीडियो देखी है। तो फ्रेंड्स, मैं एक और वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें इस वीडियो पर क्लिक करता हूँ तो ये फ्रेंड्स, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरी दूसरी वीडियो है इस पर भी देख सकते हैं आप इम्प्रेशन आ चुके हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स, आप भी अपनी हर वीडियोस के जो इम्प्रेशन है कितने लोगों तक हमारी जो वीडियोस है वो पहुंच चुकी है, आप भी इस तरह जो है अपनी वीडियो के इम्प्रेशन चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।